अभी कुछ ही दिन पहले कई राज्यों में कैश की किल्लत हुई थी, जिसके बाद अब यह समस्या दोबारा शुरू हो गई है। लेकिन यह समस्या अब अलग राज्यों में पैदा हुई है। आपको बता दें कि इस बार पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले लोगों को एटीएम में कैश की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में मई महीने के पहले ही हफ्ते में एटीएम्स खाली होने से कैश संकट पैदा हो गया है। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि गुवाहाटी में रिजर्व बैंक द्वारा कैश की आपूर्ति में देरी से ज्यादातर एटीएम्स में नोट संकट पैदा हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही देश के कई राज्यों में एटीएम्स खाली हो गए थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर दीपक चौधरी ने कहा कि हम ऑपरेट्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए एटीएम्स में फ्रेश नोट डालने चाहिए। फिलहाल बैंक के पास पुराने नोट्स हैं और हमने गुवाहाटी में आरबीआई से कहा है कि वह अलग अलग मूल्यों के फ्रेश नोट तत्काल भेजें। उन्होंने आगे कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते के मध्य तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।